नेपाल बॉर्डर से देश के भीतर हो रही तस्करी के रोकथाम के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो आईपीएस मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित एसएसबी के अधिकारी और सीओ मौजूद रहे। कार्यशाला में बॉर्डर से हो रही मादक पदार्थ वन्यजीवों व पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य तस्करी के रोकथाम पर चर्चा की गई। कार्यशाला में आईपीएस मनोज कुमार ने कहा कि वन्यजीवों को दुनिया भर में खतरे का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया भर के अवैध बाजारों में भारत की वनस्पति और जीव जंतुओं की मांग लगातार जारी है। वन्यजीवों के अवैध व्यापार के कारण कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। दुनिया भर में संगठित वन्यजीव अपराध की श्रृंखलाएं फैलती जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल यह उद्योग फल फूल रहा है बल्कि भारत में वन्य जीवों के अवैध व्यापार में काफी तेजी भी आई है। इसके अलावा बॉर्डर से हो रही तस्करी पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया। मैं यार राहुल जी सोनोले तक नहीं गया क्योंकि वो देहात का एरिया था, तो अपना जो मेट्रो सिटी होते हैं तो आप अपने एरिया में ही कंसर्न रहते हैं। यहाँ से डिस्टेंस कितना है? रोड अच्छा हो गया अभी, बहुत बढ़िया हो गया है। पहले तो बहुत ही यहाँ दिक्कत शहर से ही कर लेना है, एक घंटा लग जाए आपको। यूपी आई थी इसमें नहीं बजा। ये कहाँ से हैं आप? सिद्धार्थ है, बलरामपुर। आप जो कुछ नए ज्वाइन कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन देंगे? इधर से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो सबके लिए बता देना, रेलवे बैच बता दीजिए सबको इंट्रोडक्शन। सीतापुर पहले तो सेक्टर जनरल देखा था मैंने, जनवरी पर मार्च तक था मैं इंस्पेक्टर है हमें यहाँ इंग्लिश में है लेकिन मेरे बहुत सिंपल इंग्लिश में होगी, मैं हिंदी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल होती इसको कन्वर्ट करने में, बट कुछ दिक्कत नहीं होगी।